महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया है। एनसीपी नेता अजीत पवार रविवार को एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अजीत पवार के साथ साथ और किन मंत्रियों ने धोखा दिया है शरद पवार को। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने जिस तरह से पिछले दिनों पार्टी संगठन में फेरबदल किया था, उसके बाद उनके भतीजे अजीत पवार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। ये दूसरी बार है जब अजीत पवार ने दूसरा रास्ता चुना है। आपको बता दें कि जिस तरह अजीत पवार के साथ 18 विधायक राजभवन पहुंचे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं था और अब अजीत पवार ने विद्रोह करते हुए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद आनन-फानन में अजीत पवार को डिप्टी सीएम के पद पर शपथ दिलाई गई। उनके साथ एनसीपी के कुल 9 नेताओं ने महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल, दिलीप वसले, हसन मुश्रीफ भी मंत्री बने, अनिल पाटिल, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, धर्मराव आत्राम, संजय बंसोडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें कि छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम सरकार में तीसरी पार्टी के रूप में शामिल हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने पार्टी तोड़ दी है, लेकिन ये सही नहीं है। हम यहाँ एनसीपी के तौर पर आए हैं। हमने भी कई मौकों पर मोदी सरकार की आलोचना की है, लेकिन ये सच है कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है। साथ ही ये भी आपको बताते चले कि अजीत पवार गुट ने दावा किया है कि उनको 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार राहुल गांधी से शरद पवार की नजदीकियां बढ़ाने की वजह से नाराज चल रहे थे और अब वर्तमान में महाराष्ट्र में एनसीपी में 53 विधायक हैं, जिनमें 40 विधायक बगावत करके अजीत पवार के साथ शामिल हैं। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।